कुंभ राशि आपके ऊपर नींबू का जादू टोना कर रहे हैं। आखिर कौन कर रहा है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यह सभी बातें जो कि आज के वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसमें आपको आपके जो यानी कि आपके ऊपर जो जादू टोना कर रहे हैं उनके बारे में पता चलेगा, साथ ही इससे आपको कैसे बचना है वो भी पता चलेगा, और अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है या नहीं इसे भी अगर आपको मालूम करना है, या कुछ ऐसे लक्षण जो कि हम बताने वाले हैं जिससे कि आपके ऊपर जादू टोना हुआ है या नहीं ये भी पता चलेगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है तो इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहेंगे वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू टोना हुआ है या नहीं। दोस्तों जिन लोगों पर जादू टोना और तांत्रिक क्रिया की जाती है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या कोई गंभीर बीमारी लग जाती है और टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, यानी कि कुछ बीमारी आपको लग जाती है और आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, लेकिन अगर आप मेडिकल में जांच के लिए यानी कि आप अस्पताल में अगर कोई जांच के लिए जाएंगे तो उसमें टेस्ट में सब मामूली सा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। इसी के साथ इसके सामने मेडिकल विज्ञान असहाय सा मालूम होता है। कहते हैं जिसके शरीर पर किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है उसे इन दवाइयों का असर उस समय बिल्कुल नहीं होता, और असर होता है तब जब बुरी आत्मा कुछ समय के लिए ग्रस्त व्यक्ति के शरीर से बाहर आती है। यानी कि कोई आत्मा अगर आपके शरीर में घुस जाती है तो उस पर कोई भी दवाई असर नहीं दिखाई देती, तो यह था एक लक्षण। कहा जाता है काला जादू का यह भी संकेत होता है कि आपके घर में अचानक से बिल्ली उल्लू चमगादड़ सांप और भंवरा घूमते हुए दिखाई देना, यानी कि इनका अगर आपको बार बार में आपके घर में मिलना घूमते रहना दिखाई देता है तो ये भी लक्षण जो कि काला जादू का हो सकता है। अगला है अगर आपको पता करना है कि आप पर किसी ने जादू टोना तो नहीं किया है तो रात को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखे और प्रार्थना करें कि जो भी निगेटिव क्रिया हुई है वह इस नींबू में समाहित हो जाए। उसके बाद सुबह उठने पर यह नींबू मुरझाया हुआ या रंग काला मिलता है तो समझिए आप पर तांत्रिक क्रिया हुई है। तो ये तो कुछ लक्षण हैं जो कि हमने इंटरनेट से जो कि ढूंढ के आपके लिए लाए हैं। दोस्तों ये जो भी जानकारी है काला जादू के रिलेटेड वे हमने इंटरनेट से आपके सामने जो कि पेश किया है। दोस्तों आप बात करते हैं आखिर काला जादू या फिर नींबू का जादू टोना आपके ऊपर कौन करवा सकता है। दोस्तों यह काला जादू या फिर आप जादू टोना नींबू का जो भी बोल सकते हैं वे तो आपके आस पड़ोस के लोग कर सकते हैं जो आपके ऊपर हर वक्त नजर बैठे रखे होते हैं कि इसको कैसे नीचे लाना है, इसको कैसे पीछे खींचना है, यानी कि आपकी तरक्की को देखकर वो तरसते हैं, वो जो कि आपको यानी कि आपकी तरक्की उनको देखी नहीं जाती वे लोग आपके ऊपर कोई जादू टोना कर सकते हैं। आपके रिश्तेदार भी, जी हाँ दोस्तों रिश्तेदार, यानी कि आपको मालूम रहा होगा कि आपके रिश्तेदार में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि आपके ऊपर जलते रहते हैं, आपके तरक्की को देख के जलते रहते हैं, तो वे लोग भी आपके ऊपर जादू टोना कर सकते हैं। दोस्तों आप कहीं पे भी जॉब पे जाते हो या फिर ऑफिस में जाते हो तो वहाँ के भी लोग आपके तरक्की को देखकर आपके प्रमोशन को देखकर जो कि जल सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि आपके तरक्की को देख के जलते हैं वही लोग जो कि जादू टोना कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस जादू टोना इस कालू जो कि काला जादू इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला है ऊपरी हवाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला दीजिए। दूसरा है 108 बार गायत्री का जाप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत लाभ मिलता है। सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में
आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिला दीजिए। अब घर के छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध के छींटे मारें। हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दीजिए। चौथा है, रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बांह पर काले धतूरी की जड़ बांधने से ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। पांचवा है, लहसुन के रस में हींग घोलकर आंख में डालने या सूंघने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशेष्यस नमो ज्योति पंतगाय नमो रुद्राय नमः, सिद्धि स्वाहा। घर के मुख्य द्वार के पास सफेद अकाव का पौधा लगाने से भूत प्रेत ऊपरी हवाओं से हमेशा रक्षा होती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे उपाय जो कि काला जादू या फिर जादू टोना से आपको बचाव कर सकते हैं। तो ये था पूरा जादू टोना और काले जादू के बारे में। अब बात करते हैं आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहेंगे उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लव राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। बच्चों के लिए यह समय जो कि संकट भरा हो सकता है, लेकिन जब परिवार आपके साथ है तो आप बड़ी से बड़ी जंग आसानी से जीत सकते हैं। आपका सोना हर समय प्रेरित आपको करता रहेगा, बदले में उसे आपका प्यार और केयर चाहिए। दोस्तों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी, उनकी मदद करते रहें। दोस्तों, धनराशिफल की बात करें तो समय है अपने नेतृत्व तथा प्रबंधकीय क्षमताओं को समझने व प्रयास करने का। इससे आपको प्रसिद्धि और प्रयास दोनों ही मिलेंगे। अपने कार्यों से कमाई प्रतिष्ठा आपको भौतिक सुरक्षा प्रदान करेगी। बड़ी उपलब्धि के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें। आर्थिक लाभ आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। आपकी क्षमताएं व गुण पूरे आकर्षण में हैं और लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे होंगे। मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धियों की तारीफ करें और अपनी कौशल का पूरा उपयोग करें। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करें तो आप अपनी विरोधियों पर विजय पा सकेंगे। आपके कार्यस्थल पर किए गए प्रयासों और अपने सहकर्मियों और प्रतिस्पर्धियों को कूटनीति से संभालने की योग्यता से आपकी अच्छी छवि बनेगी। आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, इसलिए रोड पर चलते समय सावधानी बरतें और कोशिश कीजिए और उसके बचाव के कुछ उपाय भी अपने पास रखिएगा। तो कुछ इस तरह से आने वाले दिन भी आपके लिए रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।